तो पहले हम एग्जाम्पल से लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल देखना। आपको एग्जाम्पल में बोल रखा है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कंसीडर ट्रायंगल एसीबी, कंसीडर ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल्ड एट सी, कंसीडर ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल्ड एट सी बोल रखा है, इन विच आपको उसमें ए बी दिया हुआ है 29 यूनिट्स, ठीक है, ए बी दिया हुआ है 29 यूनिट्स, बी सी दिया हुआ है 21 यूनिट्स, बी सी दिया हुआ है 21 यूनिट्स, एंड एंगल ए बी सी ये आपको थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं बेटा, तो देखते जाना, बहुत इजी है, हम पढ़ चुके हैं। पहले हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे आपसे बोला है ना, पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। आपके पास एक एसीबी ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी है, ठीक है, तो ड्रॉ कर देते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एसीबी राइट एंगल एट सी, तो इसको सी बोल देते हैं, ठीक है, ये ए सी बी हो गया राइट एंगल एट सी, इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स, तो ए बी आपका 29 आपको दे रखा है, बी सी दिया हुआ है 21, ठीक है, और जो एंगल ए बी सी है, जो एंगल बी है वो आपका थीटा है, ओके, ये आपको थीटा दिया हुआ है बस। तो आप पहले देखो, जब भी आप कॉस साइन देख रहे हो तो बेटा इस थीटा के रेस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस होगा। तो अब आपको यदि अप्लाई करना है, अपने को यदि कॉस अप्लाई करना है, तो बेटा कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो तो पता है, निकल के आ जाएगा। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस, तो आपको पी की रिक्वायरमेंट है। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले मैं करता हूं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एसीबी, ओके। तो यहां से अपने पास क्या मिलेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एच हमारे पास क्या है 29, तो 29 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ये अपने पास 21 स्क्वायर, 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, ठीक है, ये होता है 841 इक्वल टू पी स्क्वायर, दिस इज 441, सॉल्व कर दें बेटा इसको, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू दिस इज, ये कितना आ जाएगा 400, एंड वी गेट पी इक्वल टू कितना 20 यूनिट्स, तो आपका ये कितना आ गया, ये आपका 20 आ गया। इतना समझ में आया क्या, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो पहले, नो सर, नो कंफ्यूजन। बस अब तो पी आ गया, तो अब तो आप कॉस साइन इजिली निकाल सकते हो यहाँ पर, तो अपन कॉस साइन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉस तो इजिली निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अपने केस में बेस कितना है 21 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है 29 है। साइन थीटा ये कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये अपना पी हम निकाल चुके हैं 20, और ये कितना 29, बस अब तो दोनों पार्ट आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो करें इसको आगे सॉल्व, समझ में आया उसे ना कैसे सॉल्व किया, यस सर, ठीक है। बस तो अब तो ये करना है, इसमें वैल्यूज पुट करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फिर सॉल्व करते हैं। सर नोट कर रहे, नोट कर लिया तो नोट कर लिया तो कर लो, या फिर बताओ आगे करें सॉल्व, हो गया नोट, हाँ डन सर, सर कर लो कर लो। बस तो आप तो कुछ नहीं करना है, आपको इसमें पुट करेंगे वैल्यूज और इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व करना है अपने को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इस तरह से ही करना है। हाँ इनसे देखो बेटा, इनसे हमने क्वेश्चन किया है ये वाला, ये हम एग्जाम्पल कर रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक राइट ट्रायंगल है, सी पर आपका क्या है राइट एंगल दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 29, बी सी आपको ये दिया हुआ है, आपको ए बी सी दिया हुआ है एंगल थीटा। तो हमने इसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लिया, हमने ये ए सी निकाल लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम, निकाल लिया 20 आ गया। आपको दोनों चीज ये निकालनी है, कॉस और साइन। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस,
तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये अपॉन ये हो जाएगा। साइन क्या होता है पी अपॉन एच, दिस अपॉन दिस। ठीक है, अब बड़े बेटा आगे, इतना हो गया नोट? यस सर। समझ में आया इंसिया? यस सर। ठीक है, तो देखो अब अपन जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट पार्ट में निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना आ चुका है, वो आ चुका है, तो उसका करते हैं स्क्वायर 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। सॉल्व कर दें, दिस इज 441, ये होता है 841 प्लस दिस इज 400 एंड दिस इज 841। सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा 841 अपॉन 841 इक्वल टू 1। ये एक एंटिटी भी होती है, हम पढ़ेंगे आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये एंटिटी भी होती है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब अपन पढ़ेंगे आइडेंटिटीज तो उसमें ये अपन इसको पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो बेटा हो गया, सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में आपको करना था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसमें रखते हैं वैल्यूज, तो ये कितना यहाँ से कर दें इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 441 डिवाइड 841 माइनस 400 डिवाइड 841। बस सॉल्व कर दो। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इस तरह से कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 41 अपॉन 841, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा कैसे किया? Yes. कोई कंफ्यूजन सर? तो अगर ये आइडेंटिटी है इसका आंसर तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई। यदि बेटा यदि देखो बोर्ड में आ रहा है तो आपको इसको इस तरह शो करना पड़ेगा डायरेक्टली, तो अपन जहां आपको यूज करना हो, यदि प्रूफ फॉर्म कहीं यूज करो तो आप उसको यूज कर सकते हो, बट यहाँ उसने आपको उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो आपको इस तरह से इसको शो करना पड़ेगा। क्लियर? यस। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल है, ये करते हैं। क्वेश्चन देखना, देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, एग्जांपल 5 है, देखो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एग्जांपल 5 है, क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है, ये एग्जांपल 5 है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपसे बोल रखा है, इन ट्रायंगल ओपीक्यू, इन ट्रायंगल ओपीक्यू, इन ट्रायंगल ओपीक्यू राइट एंगल्ड एट पी, आपको दिया हुआ है राइट एंगल्ड एट पी, इन ट्रायंगल ओपीक्यू राइट एंगल्ड एट पी, आपको दिया हुआ है ओपी, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको दिया हुआ है एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड cos Q, साइन Q एंड cos Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ये क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, इन ट्रायंगल ओपी क्यू राइट एंगल एट पी, तो पहले हम क्या करते हैं इसका फिगर ड्रॉ करते हैं बेटा। ठीक है, देखो जब भी क्वेश्चन आए तो पहले इसका फिगर ड्रॉ करना है आपको, ये आपका क्या बोल रखा है राइट एंगल एट पी बोल रखा है, तो आपने पी ले लिया। ठीक है, तो ओ पी क्यू ये हो गया, इन ट्रायंगल ओपी क्यू राइट एंगल एट पी, क्या गिवन है आपको ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो OP क्या है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है। क्या बोल रखा है OQ माइनस PQ इक्वल टू, इसको तो हम बाद में अपन यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप OQ को क्या बोल सकते हो, मैं क्या बोल दूं बेटा इसको, ऐसे बोल दूं क्या कि PQ प्लस 1 बोल दूं, एक ही बात है, यहां से OQ क्या आ जाएगा, PQ को यहां पर शिफ्ट कर दो तो 1 प्लस PQ आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin Q एंड cos Q, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपन क्या करते हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो बेटा यहाँ से क्या होगा आपका, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर कितना है अपने पास, पी क्यू प्लस 1, ये पुट कर दो, पी क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, OP स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और प्लस
ओ क्यू ये ओ ये इसको ऐसे ही पुट कर दो क्यू पी स्क्वायर, ओके ठीक है, इसको ओपन कर दो, ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ओपन करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस ट्वाइस पी क्यू इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर कर दें इस तरीके से, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया ट्वाइस पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस वन एंड वी गेट पी क्यू इक्वल टू 48 डिवाइड बाई टू, तो बेटा पी क्यू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया क्या सबको, कैसे किया, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, बस पी क्यू आ गया, अब तो आप क्या ओ क्यू निकाल सकते हो, ओ क्यू क्या था पी क्यू प्लस वन था, ठीक है यहां से हम ओ क्यू निकाल दें, देयर फोर ओ क्यू इक्वल टू पी क्यू प्लस वन था, तो क्या हो जाएगा ओ क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आप पी क्यू निकाल चुके हो 24। अब तो इजिली हो गया सब कुछ, आप इजिली निकाल सकते हो। पहले आपको क्या निकालना है, साइन क्यू निकालना है बेटा, साइन क्यू मतलब इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में अपने अपने को पता है परपेंडिकुलर तो अपने पास क्या है ओपी है और हाइपोटेनस अपने पास क्या है ओक्यू है, तो कितना आ जाएगा 7 अपॉन ओक्यू कितना आ चुका है 25 आ जाएगा साइन क्यू, क्लियर? ठीक है, कॉस क्यू, कॉस क्यू कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्यू के लिए बेस क्या हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेनस तो सेम ही है ओक्यू, तो पी क्यू कितना आ चुका था अपने पास 24, तो दिस इज 24 अपॉन 25, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया कैसे किया, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, बस तो अपन ने क्या किया, अपन ने इसका यूज कर लिया, इसको आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम में, पी क्यू निकल के आ गया, पी क्यू आ गया, ओ क्यू आया, तो आपने साइन क्यू कॉस क्यू इजीली फाइंड कर लिया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अपन करेंगे एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन 8.1 के, एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ आपको करने हैं, कुछ मैं यहाँ क्लास में कराऊंगा, एक्सरसाइज 8.1 कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसमें कहीं कुछ डाउट तो पूछ लो बेटा। समझ में आ गया हुसैना एनसीआर से? यस सर। यस सर। क्लियर है, हो गया बेटा नोट? नोट हो गया सर। चलो ठीक है, नाउ अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1, इसका हम क्वेश्चन ले रहे हैं पहले, क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर टू, जो रिमेनिंग है वो आपको करने हैं, नहीं आएगा तो उस पर क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर वन आपको करना है, मैं क्वेश्चन नंबर टू करा रहा हूं, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन मैं यहां पर लिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर टू है, देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, इसके लिए आपको एक फिगर दिया हुआ है, पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, एक फिगर आपको दिया हुआ है, पहले ये फिगर ड्रॉ करते हैं, आपको एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ये ड्रॉ कर देते हैं, ये आपके पास पी क्यू आर है, राइट एंगल्ड एट क्यू है, ये गिवन दे रखा है, ठीक है दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर, फिर आपसे बोल रखा है इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है चलो करते हैं फाइंड, करो आप लोग करो, हम भी यहाँ पर करते हैं, हाँ करो आप लोग भी करो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर आप सबसे पहले क्या करो, ये क्यू आर निकाल लो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सर QR 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये पाइथागोरस पैर है, ठीक है सही है, QR निकाल लो, तो क्या करेंगे अपन, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, तो क्या हो जाएगा PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ओके तो पी आर स्क्वायर कितना 13 का स्क्वायर 169 पी क्यू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ओके तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, सो वी गेट क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये तो आपने निकाल लिया। सबसे पहला वर्क आपको ये करना होता है, जो अननोन है उसको फाइंड कर लो, तो क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आप दोनों चीज निकालो, टेन पी निकालो
टेन पी निकालो और कॉट आर निकालो, बताओ जरा टेन पी कितना आएगा, टेन पी कितना आएगा निकालो जरा, टेन फाइव अपॉन ट्वेल्व, हाँ टेन पी कितना आ रहा है बेटा, फाइव अपॉन ट्वेल्व, ठीक है, और ये निकालो कॉट आर निकालो, कॉट आर निकालो, कॉट आर भी फाइव अपॉन ट्वेल्व भी आएगा, हाँ हर्षित कितना रहा है, फाइव अपॉन ट्वेल्व, हाँ ठीक है, हाँ बेटा हुसैन और इनसे आपका आया क्या टेन पी और कॉट आर, सर तो इसका आंसर जीरो है, यस सर, हाँ जीरो आ जाएगा, हाँ बेटा हुसैन आपका आया क्या टेन पी और कॉट आर, देखो टेन पी छोटा पी के इसके लिए ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, तो tan p का tan क्या होता है perpendicular upon base, तो अपने लिए ये तो है perpendicular, base कितना 12, तो ये हो गया tan p के लिए, ठीक है, cot r, अब ये cot r है बेटा, तो ये r r के respect में क्या होगा, ये तो होगा perpendicular, ये base हो जाएगा, ठीक है, तो cot ने cot क्या होता है base upon perpendicular, तो अगेन ये भी कितना आएगा 5/12, क्योंकि दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, आपको क्या निकालना है tan p minus cot r, therefore tan p minus cot r कितना 5 upon 12 minus 5 upon 12 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्लियर, समझ में आया क्या सबको, कोई कंफ्यूजन, नो सर, अब चलो थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं मैं एनसीईआरटी का, ये नोट कर लो, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एनसीईआरटी का, हो गया बेटा कॉपी, यस सर, बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर, यस सर, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जरा क्वेश्चन लिख लो, मैं यहां पर बोलता हूं, If angle A and angle B, question लिखो, question number 6 है, important question है, board के point of view से, if angle A and angle B, angle A and angle B are acute angles such that, are acute angles such that cos A equal to cos B, cos A equal to cos B, then show that आपको show करना है angle A equal to angle B, ठीक है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B, ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसके लिए करते क्या है, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, आपके पास ए और बी क्या है बेटा, ए और बी आपके एक्यूट एंगल्स हैं, तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल ले लेता हूं, ध्यान से देखना, एक मैं ट्रायंगल लेता हूं, आपके पास ए और बी क्या है एक्यूट एंगल्स हैं, तो मैं इन दोनों को ए और बी बोल देता हूँ, दोनों आपके ए और बी क्या एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, इसको मैंने कुछ भी सी बोल दिया, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो यहाँ आपके पास लिखना है, पहले हम गिवन लिखेंगे, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये हमने लिख दिया, अब बेटा मैं इसमें, अब देखो हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो हमेशा बेटा आप इसमें आपको एक 90 का एंगल मिलना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट सी से, इस सी वर्टेक्स से मैं इस ए बी पर एक ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, मैंने कुछ भी इसको बोल दिया M, इतना समझ में आया क्या, मैंने क्या किया इसमें, मैंने किया इसमें कंस्ट्रक्शन, क्या किया, ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू AB, इतना समझ में आ गया, आपको क्या शो करना है टू प्रूव, जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको बेटा ऐसे लिखना होता है, ये स्टेप्स फिक्स होते हैं, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन हमेशा लिखना होता है, इनके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो टू प्रूव में क्या लिखोगे, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है बेटा, ये आपको प्रूव करना है, अब हम देखो प्रूफ पर आते हैं, ध्यान से देखते जाना,
देखो सबसे पहले आपको बेटा गिवन क्या दिया हुआ है, आपको गिवन दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये आप गिवन में ये भी लिख लेना, आपको गिवन में ये भी दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी भी दिया हुआ है। देखो आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है बेटा, ठीक है। तो देखो मैं लिखता हूँ आपको, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये आपको गिवन दिया हुआ है। हम पहले कॉस ए कॉस बी लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखो कॉस ए यदि मैं इस ट्रायंगल में अप्लाई करता हूँ इस वाले में, तो बेटा यदि इसमें हम बताएं तो मुझे बताओ कॉस ए, कॉस ए क्या लिखूंगा, कॉस ए क्या होगा, सी एम अपॉन ए एम, सी एम अपॉन ए एम, कॉस ए बोल रहा हूँ बेटा। इस ए के लिए ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस हाइपोटेन्यूज, तो कॉस क्या होगा, ए एम अपॉन ए सी लिखूंगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा अर्षित, यस होगा, ठीक है। कॉस बी, कॉस बी इसके लिए, इसके लिए लिखे अपन, हाँ तो देखो अगेन बेटा सिमिलरली इसके लिए क्या यही बेस हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा बी एम और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या सबको जो मैंने यहाँ पर लिखा, कोई कंफ्यूजन बेटा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनको आपस में चेंज करता हूँ, यदि मैं इसको आपस में इंटरचेंज कर दूँ तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा बेटा, मैं इनको आपस में इंटरचेंज करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, दोनों ही रेशियोज इक्वल है तो मैंने चेंज कैसे करेंगे, कर दिया क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा मुझे बताओ, हर्षित नहीं कर सकते क्या चेंज, मुझे ऐसा बताओ जैसे एक्स अपॉन वाई इक्वल टू टू अपॉन थ्री है, यदि मैं इनको ऐसा बोल दूं मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, एक्स अपॉन टू इक्वल टू वाई अपॉन थ्री बोल सकता हूँ क्या ऐसा, यस सर बताओ हर्षित लिख सकता हूँ ना, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, बोलेंगे। देखो ठीक है 3x equal to 2y लिख दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, यस सर ठीक है। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या जैसा मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, हाँ सर बोल सकते, बोल सकता हूँ ना, अरे वैसे मैंने दोनों रेशियो इक्वल है तो मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया उनके टर्म्स, आया समझ में अर्षद, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये इंटरचेंज कर दिया, अब ये दोनों रेशियोज जब आपस में इक्वल हैं तो मैं इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान सकता हूँ, के इक्वल मान सकता हूँ क्या बेटा, बोल दे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, पहले आप इस वाले को भूल जाओ, ए सी अपॉन बी सी को भूल जाओ, ए एम अपॉन बी एम के इक्वल है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एम इक्वल टू के बी एम बोल दूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, इतना समझ में आया क्या, बोल दे, ठीक है। एंड ऐसे इसको भूल जाओ, ए सी अपॉन बी सी के इक्वल है, तो यहाँ से ए सी को क्या बोल सकता हूँ, के बी सी बोल दूं, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इतना समझ में आया क्या, कोई कंफ्यूजन यहां तक, पूछ लो पहले यहां तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो, इतना समझ में आया। अब देखो, यस सर, अब देखना ध्यान से, देखो मैं क्या करता हूँ, जो आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल तो बेटा ये है दूसरा ये है, पहले मैं इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ए सी एम में अप्लाई करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ए सी एम, तो बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इसमें क्या लिखूंगा, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा, सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर लिखूंगा बेटा, यहां से मैं निकालता हूँ सी एम स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थ्री बोल दो, ये समझ में आया क्या स्टेप, मैंने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम और सॉल्व किया है उसको, ठीक है। ऐसे ही इन ट्रायंगल कौन से वाले में, बी सी एम में, इसमें अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा क्या आएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से सी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, यहां से निकाल दो सी एम स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फोर्थ, समझ में आया क्या, मैंने दोनों से निकाला है सी एम स्क्वायर दोनों ट्रायंगल से, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो यहां तक, समझ में आ रहा है क्या बेटा, कैसे किया, हाँ, यस सर, आ गया। अब देखो
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों आपके सी एम स्क्वायर के इक्वल हैं, तो इनके आर एच एस पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे क्या? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए सी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, लिख दूं क्या बेटा? समझ में आ रहा है क्या हर्षित? यस सर। अब तो क्या करना है, सिंपल, जो आपको ये पता है इक्वेशन इनका यूज करो। ए सी किसके इक्वल है, के बी सी के इक्वल है, पुट कर दूं तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए एम किसके इक्वल है, के बी एम के इक्वल है, तो ए एम स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बेटा, के स्क्वायर बी एम स्क्वायर, इक्वालिटी तो आपका है ही बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। क्या करो, के स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ, के कितना आ गया, वन आ गया, के स्क्वायर इक्वल टू वन, सो वी गेट के इक्वल टू वन। इतना समझ में आया, अब तो हो गया सॉल्व, इतना समझ में आया क्या? यहां तक कुछ पूछना हो तो पहले पूछ लो। यस सर। अब तो कुछ नहीं करना आपको। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आपके पास क्या था बेटा, ए सी इक्वल टू के बी सी था, तो क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा, के इक्वल टू वन पुट कर दिया। जब ए सी इक्वल टू बी सी है तो बेटा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, ऐसा होगा क्या? जब ए सी इक्वल टू बी सी आया तो बेटा यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, therefore angle B equal to angle A, क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides, तो यहां से प्रूव हो गया A equal to B। कोई कंफ्यूजन हर्षित? नो सर। हाँ, बाकी हुसैन और इंशिया समझ में आया? सर अगर अपन पहले ही k को 1 करते तो लाइक k भी 1 तो गलत हो जाता है। k तो कांस्टेंट है, उसको तो आप कुछ भी बोल सकते हो ना, इसलिए मैंने बेटा उसकी वैल्यू मैंने यहां पर बाद में फाइंड की है। k तो कांस्टेंट है, k इक्वल टू 1 मैं सपोज 2 बोल दूं, 3 बोल दूं, कुछ भी बोल सकते हो ना, तो बेटा उसको हमने फिर बाद में फाइंड किया है, उसको हमने बाद में सॉल्व किया है, तो आपको k इक्वल टू यहां पर 1 मिल गया। मैंने इनका यूज किया, उसको मैंने सॉल्व कर दिया, ये आपको शो करना पड़ेगा वहां पर, समझ में आया? ओके सर। ठीक है, तो हो गया बेटा क्लियर? ये एक बार दोबारा देख लो, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, आपको ये शो करना था, इसका यूज किया, ये आपने रेशियो अप्लाई कर दिए, इंटरचेंज किया, यहाँ से आपको तो इक्वेशन मिल गए, दोनों से मैंने फाइंड किया सी एम स्क्वायर, ये आपने फाइंड कर लिया, इक्वेट कर दिया, के इक्वल टू बनाया, वी गेट ए सी इक्वल टू बी सी, सो बी इक्वल टू ए। क्लियर? ठीक है, तीनों को समझ में आ गया क्या बेटा? नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, तो नोट कर लो इसको। हाँ हुसैना, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, इंशिया? यस सर। ठीक है, चलो बेटा, हो गया कॉपी? कॉपी हो गया? यस सर। चलो तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नोट डाउन करो पहले, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, देखो लिखो जरा, इफ कॉट थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, 7/8, इवेलुएट, इसके दो पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रखा है 1 plus sin theta, 1 minus sin theta डिवाइड में आपको बोल रखा है 1 plus cos, 1 minus cos theta, 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो, हाँ आप लोग भी करो, सबसे पहले इसका यूज कर लो आप, इसके अकॉर्डिंग निकालो जो आपको आपको यहाँ पर अननोन है, पहले वो फाइंड कर लो, कॉट थीटा इक्वल टू परसेंटेज में आ रही है,
क्या बोल रहे बेटा अर्षद? सर हाइपोटेनियस तो मतलब फ्रैक्शन में आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आ रही है आपको बताओ, क्या आ रही है हाइपोटेनियस? रूट 113 आ रही होगी। ये सर कोई दिक्कत नहीं, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना, इसका डायरेक्ट लेकर के वो निकाल लो, हाइपोटेनियस निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा अपने आप आंसर। ये थीटा है, थीटा आपने ये मान लिया तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, ठीक है ना। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है। तो लिख लोगे लेट बेस इक्वल टू 7x मान लिया और पी आपने मान लिया है 8x, ठीक है। तो ये आपका 7x है, दिस इज 8x। अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक है। तो एसी स्क्वायर एबी स्क्वायर, एबी कितना अपने पास 8 है, तो 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, ठीक है। तो एसी स्क्वायर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, 113x स्क्वायर, सो एसी इक्वल टू स्क्वायर रूट 113x। तो एसी कितना आ गया? रूट 113x आ गया बेटा, ठीक है। बस अब तो आपको सॉल्व करना है इसको, तो देख लो पहले कॉस और साइन निकाल लो, क्योंकि आपको उनकी रिक्वायरमेंट होगी। सो साइन थीटा, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपने पास पी यहाँ पर क्या है? 8x है, और हाइपोटेनियस कितना है? रूट 113x। देखते हैं, 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेटा, ठीक है। तो बेस कितना है? 7x है, और हाइपोटेनियस है रूट 113x। तो कितना आ जाएगा? 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113, ये आ गया, ठीक है। अब आपका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, इसको ऐसा बोल दूं क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दो बेटा इस तरीके से, समझ में आ रहा है क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोल देगा बेटा, बताओ लिख देगा इस तरीके से, ठीक है। सॉल्व करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका कर दो स्क्वायर, तो कितना होगा? 64 अपॉन 113 और 49 अपॉन 113, तो कितना आ जाएगा? 113 माइनस 64 एंड 113 माइनस 49, इसको सॉल्व कर दो आप, तो कितना आ जाएगा? 49 अपॉन 64, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, 49 अपॉन 64, ये आएगा क्या, ठीक है। और सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको इसमें, कॉट थीटा आपको शुरू में दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कर दो, आपको कॉट थीटा कितना है? 7/8 दिया हुआ है ना, तो उसका स्क्वायर कर दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 49/64, मतलब इसकी और इसके लो आपस में क्या है? इक्वल आ रही है बेटा। हम आगे पढ़ेंगे, देखो आपको ये पता है आइडेंटिटी, एक देखो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर आप देख लो, हमें क्या पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है। आप पढ़ोगे आगे, जरा इसमें पुट करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं, ये क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी? इसके इक्वल आई रही है, हो गया वेरीफाई, समझ में आया बेटा? भाई ये भी कॉट स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉट थीटा, तो देखो वैल्यू सेम ही आ रही है ना, आ रही है सेम वैल्यू, तो सेम ही आ रही है। तो समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन, तीनों को समझ में आया? ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब आप ऐसा करना, मैं एक शीट तो मैं आज इवनिंग तक शीट डाल दूँ ग्रुप पर, वो आपको क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी के, आपको क्वेश्चंस जो करने हैं वो नोट करो, कल पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करना है 8.1 का, ये करने बेटा आपको रोज करने हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, रिमेनिंग कल करते हैं, और मैं शीट डाल दूंगा आज इवनिंग तक, ठीक है बेटा। तो आज यहीं ऑफ करते हैं, ओके, थैंक यू सर, वेलकम बेटा, ठीक है, कल करते हैं बाकी, थैंक यू सर।